बादशाह की निगाह नीचे फकीर की झोंपड़ी पर गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ में आग लगाई हुई है, उस लक्कड़ के सामने बैठा है, ध्यान में व्यस्त है। वजीर ने सोचा आज फकीर कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस वजीर को भी नींद आ गई और इसे भी होश नहीं रहा। सारे हट्टर चालू है नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया। एक टाट बिछा हुआ था, एक टाट ओढ़ कर लेट गया, गहरी नींद आ गई। लक्कड़ कब बुझा इसे क्या पता। जब सुबह राजा उठा तो सर्दी महसूस हुई। एक बार नीचे देखता है तो वह टाट पर पड़ा हुआ फकीर सोया हुआ है, एक टाट ओढ़े है, लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया? ताज्जुब तो इस बात का है, इसे नींद कैसे आ गई? बेटी ने कहा, जिसकी बड़ी सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए कि वह कैसे सो गया, कैसे उसे नींद आ गई। क्या दे, बुलाने के लिए चौकीदार भेजा। चौकीदार गया कि आपको वजीर साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा कि मैं भी एक घंटे बाद आऊँगा, एक घंटे बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। चौकीदार गया और बताया कि वह एक घंटे बाद आएगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था, कहता है एक घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही तो है, अभी उठाए, शौच जाएगा, मुँह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा ही। बादशाह शांत हो गया। एक घंटे बाद मुंह हाथ धोकर फकीर आया, आकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने वजीर ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। फकीर ने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा कि कुछ तुझसे अच्छी, कुछ तेरे जैसी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि कहता है कि कुछ तुझसे अच्छे कुछ तेरे जैसी, इतनी सर्दी, इतने सारे हीटर चालू, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट पर पड़ा सुकुड़ रहा था, कहता है कि कुछ तुझसे अच्छी। बहुत गुस्सा आया, उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उसने कहा राजन जब तू महल में दाखिल हुआ सर्दी से ठुठुर रहा था, सारे हीटर चालू कराए, एक के बाद दूसरी रजाई ओढ़ता चला गया, जब तेरी ठंडक थोड़ी कम होती चली गई तो सोचने लगा कि मेरा जो मिनिस्टर है बड़ा शक्तिशाली हो गया, प्रजा उसको ज़्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल वे गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद ये तू सोचता रहा कि ये पड़ोसी राजा है वह भी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि मेरे राज वो हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था और उस समय में लक्कड़ के सामने बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था।
मैं उस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था, तो जितनी देर तुझे सोने में लगी मैं जागता रहा, तो मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। और जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर चालू है या नहीं, रजाई ओढ़े कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है या नहीं। ये समय तुझ जैसा कटा तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उनका प्रभु चिंतन बना रहता है दुख में भी और सुख में भी, निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, अपने आत्मा के रस को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है, ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा। आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि आँख न मूंदूं कान न रूंदूं तने कष्ट नहीं धारूं खुले नैन पहचानूं हस सुंदर रूप निहारूं। ये साधन अपना ग्रस्त का कितना सुंदर है आप देखिए, जब ईश्वर की याद में बैठिए, आराम से होके बैठे, कभी मानसिक खींचातानी नहीं, बड़े प्यार से बड़े आनंदमय अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। सोचिए कि ऐसा समय कि प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूँ, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के विश्राम के मायने ध्यान है। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, सब विचारों से खाली रहेंगे, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, और बड़ी आनंदमय अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल भी मानसिक खींचातानी नहीं, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। इसलिए कबीर से मैंने कहा कि आँख न मूंदूं कान न रूंदूं कनिक तनिक कष्ट नहीं धारूं। आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की भी आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा छक पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मन सभी हालत बनाते हैं कि आज्ञा छक पर कैसे ही स्पंदन हो जाए। इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे चित्त की एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, स्वतः आज्ञा छक पर सब स्पंदन अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आँख न मूंदूं कान न रूंदूं तने कष्ट नहीं धारूं खुले नैन पहचानूं हस सुंदर रूप निहारूं। आँख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता रहता है, हर समय उसकी हजूरी उसकी आगाही है, एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं तने कष्ट नहीं धारूं खुले नैन पहचानूं हस सुंदर रूप निहारूं। आगे फिर कबीर साहब कहते हैं, बड़ा सुंदर है, कि शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबहु न छूटत ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है हृदय में, जो देवी शब्द हो रहा है निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है, मलिन वासना उसके हृदय में पैदा ही नहीं होती।
मलिन वासना का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती, ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाती है। मलिन वासनाओं का हमेशा त्याग हो जाता है। इस सेवक के दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन भी काटे तो तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे, ऐसे लोगों का ये रास्ता है। संत अपना बुरा चाहने वालों को भी हमेशा भला करता है, उसकी ऐसी आदत हो जाती है। जब अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबहु न छूटत ऐसी तारी लागी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन है, उस प्रभु का चिंतन निरंतर बना हुआ है। हृदय उस प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया है कि अलग किए नहीं होता। ऐसी ताली लग जाती है कि अलग करने से भी अलग नहीं होती। ये दशा जब 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बन जाती है, ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है। अब क्या है, सारा काम खत्म हो गया, बहुत आसान हो गया। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है। हमारे आपके बस की बात नहीं, हमें तो उसकी रास्ते का यंत्र बनना चाहिए। यंत्र बनकर उसकी कृपा दृष्टि देखिए कि कैसे परमात्मा अपना खेल लाभ के साथ खेलता है। योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं, ऐसी परिस्थिति बनाता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। कहत कबीर ये उन मुंडरैनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है, उनका जीवन ऐसे ही चलता है, कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी। इसी संसार में रहते हैं, इस तरीके के काम करते हैं, उनकी रहनी सहनी इस किस्म की रहती है। दुख सुख से कोई परे परम पद तई तई पद रहा समाई। सुखाया, भगवान के अर्पण कर दिया, परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद, प्रभो आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा रखे, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें फूला ना समाया, परमात्मा की ओर अधिक झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है कि हे प्रभु तेरी बड़ी लाली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। और दुख आया तो घबराता नहीं, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। कोई ना कोई कमी जरूर हो गई, रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया, जो साधन करना चाहिए था वो पूरा नहीं किया, परमात्मा को सही तरीके से नहीं पकड़ा, ईश्वर के चरणों को और कस के शायद भगवान चिता रहा है, और कस के पकड़ता है, और अधिक ध्यान दुख में और सुंदर ध्यान बनता है। और बहुत से समय
उस ध्यान की अवस्था में, उस कष्ट की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है। उसका दुख आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद ये अनुभव होता है कि इस दुख से क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या गुल खिला। ऐसे व्यक्ति का दुख और सुख एक सा हो जाता है। सुख में फूलता नहीं, दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है न सुख से विचलित होती है न दुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, वो ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। कोई इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता। सुख नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योगक्षेम नहीं चाहिए। एक चीज चाहता है कि हे प्रभु आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है कि यह अविश्वास पक्का हो जाता है। जब आखिरी समय आएगा उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है वो मुझे पाता है। ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास अपने जीवन काल में ही हो जाता है। सोते जागते ऐसा जीवन बन जाता है, खाते पीते संसार का हर व्यवहार करते निरंतर परमात्मा में ध्यान लगा रहता है। उसका हृदय बर्फ की तरह पिघल रहा है 24 घंटे का ध्यान। इस तरह हम देखते हैं कोई भी व्रत करे तो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे प्रभु चिंतन, दुनिया के काम आज से अच्छे और सुंदर, तरीका आसान लगता है, लेकिन बिना किसी सहारे के मंजिल पर पहुंचना बहुत कठिन है। अध्यात्म में इसी सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।